डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम आपको मुलस्का की इम्पॉर्टेंट क्लास गैस्ट्रोपोडा के डिफरेंट फीचर्स के बारे में बताएंगे गैस्ट्रोपोडा गैस्ट्रो का मतलब है गट पोर्ट्स का मतलब है फुट यानी क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर वो एनिमल्स मौजूद हैं जिनका फुट जो है वो बॉडी के अंदर होगा इसके कुछ इम्पोर्टेंट एनिमल्स जो हैं उनमें हैं लिम्पेड्स स्नेल्स स्लग और इसकी थर्टी फाइव थाउजेंड स्पीशीज़ जो हैं वर्ल्ड वाइड नोन है गेस्ट्रोपोर्ट्स जो है क्लास मोलस्का का सबसे लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेटिव क्लास है इसकी इसके मेंबर्स जो हैं मेरीन फ्रेश वाटर टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट को हर हर तरह की एनवायरनमेंट को ये ऑक्यूपाई करेंगे ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि गेस्ट्रोपोर्ट्स जो हैं ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं क्योंकि दे यूजली इनकी इम्पोर्टेंस का आगाज़ कहाँ से हुआ एक फ्रेंच रेस्टोरेंट्स के अंदर हेलिक्स जो है दिस वाज यूजुअली गेस्ट्रोपोर्ड जो कि एक फ़ूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा उसके बाद गार्डन के अंदर स्नेल्स लग जब लोगों को नज़र आना शुरू हुए तो क्लास गेस्ट्रोपोडा के एनिमल्स की इम्पॉटेंस बढ़ गई और इस गेस्ट्रोपोर्ड्स जो क्लास है इसका एक इम्पॉर्टेंट इम्पेक्ट क्या है कि जो है नॉर्मली गैस्ट्रोपोर्ड्स जो है दे आर इंटरमीडिएट होस फॉर मैनी इम्पॉर्टेंट पैरासाइट्स जो कि क्लास नीमोटोड्स के जिनके बारे में पीछे भी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे देखें एक इंटरनल स्ट्रक्चर जनरलाइज्ड गैस्ट्रोपोड का गैस्ट्रोपोड्स जैसा कि बताया कि इनके अंदर शेल जो है वो प्रोमिनेंट है अब और इसका फुट जो है दिस इज इनसाइड द बॉडी यहाँ पे इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखें एलब्यूमन ग्लैंड गोनेड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओविडक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ये डक्ट जो है वेस्ट डिफरेंस दिस इज इट्स फुट फुट के साथ म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद हैं ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे और फुट जो है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को अटैच कर देगा एनएस वेल डेवलप्ड है जेनिटल पोर्स हैं गेंगलियन है गेंगलियन और थिकन नर्व मासिस They are indication that here is now beginning of nervous system and sensory organs like eyes, tentacles, cerebral ganglion. It is representing, in, it is present in the head region and is a brain-like structure. Mental cavity, heart, intestine. So this in this diagram you can see the internal structure of a generalized gastropod, and it is an indication towards higher phyla. अब गेस्ट्रोपोर्ट्स के अंदर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि हमें किसी और फाइलम के अंदर नहीं मिलता वो है एक फिनोमिना जिसको हम कहेंगे टॉर्शन टॉर्शन का मतलब है कि ये एनिमल्स अपने आप की जो बॉडी है उसको 180 डिग्री पे ट्विस्ट कर लेंगे अब जब ये 180 डिग्री पे ट्विस्ट कर लेंगे तो सारे इनके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो राइट right से लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे और इंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन पे आ जाएंगे टॉर्शन पोजीशन में क्या होगा जो कि गिल्स एनस ओपनिंग्स एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच वर यूजुअली जस्ट बिहाइंड द हैड आफ्टर टॉर्शन दे विल कम इन फ्रंट ऑफ हेड और टॉर्शन की सिग्निफिकेंस क्या है नॉर्मली इसके गेस्ट्रोपोर्ड्स को थ्री एडवांटेज होंगे अब ये टॉर्शन में आप देखें पूरे की पूरी बॉडी जो है आफ्टर टॉर्शन इट इज ट्विस्टेड एट 180 डिग्री फुट जो के ऊपर था नीचे आ गया और सारे इसके ऑर्गेन्स जो है नाउ दे आर ट्विस्टेड इंटस्टाइन पहले स्ट्रेट थी अब टॉर्शन के बाद ये क्वाइल स्ट्रक्चर में अब फर्स्ट क्या होगा टॉर्शन के अगर नहीं होगी बॉडी में तो जो शेल है दिस विल नॉर्मली विद विद द फुट एंट्रिंग फर्स्ट और जब फुट पहले आ जाएगा और फुट के बजाय हेड पहले आ जाएगा तो ये एनिमल्स जो हैं ये ज़्यादा वर्नरेबल हो जाएंगे अपने प्रीडेटर्स के लिए और टॉर्शन के साथ हेड जो है एंटर्स द शेल फर्स्ट अब जब हेड पहले एंटर हो जाएगा फुट बाहर रह जाएगा ऑब्वियसली इनके प्रोटेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं कुछ स्नेल्स के अंदर एक प्रोटीनियस कवरिंग जो है वो मौजूद है उसको हम कहते हैं ओपरकुलम ओपरकुलम आप समझे एक ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर है ये ऊपरकुलम बॉडी के ऊपर मौजूद होता है और ऑर्गेन्स को प्रोटेक्शन देता है और अगर टॉर्शन ना होगी तो ये ऊपरकुलम अपनी जगह से डिसप्लेस हो जाएगा और इससे भी ऑर्गन्स जो है दे आर मोर एक्सपोज टू द एनवायरमेंट एंड आर लेस प्रोटेक्टेड सेकेंड एडवांटेज इसका क्या होगा कि जो इंटीरियर ओपनिंग है मेंटल कैविटी की दिस नॉर्मली अलाउज द क्लीन वाटर टू एंटर और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे चली जाएगी तो बॉडी के अंदर क्लीन वाटर ही एंटर नहीं हो सकता और इसकी जो ट्विस्टिंग का प्रोसेस है इसका अगला एडवांटेज क्या है कि जो एनस और नेफ्रेडिया है दे आर मोर एक्सपोज विद द वाटर करेंट्स आउटसाइड द बॉडी और अगर टॉर्शन नहीं होगी तो ये इनकी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वाटर नहीं होगा तो बॉडी के अंदर प्रोटोनफ्रेडिया का रोल जो है वो रिड्यूस होकर रह जाएगा हाउ एवर बहुत ज़्यादा एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंसीज़ है टॉर्शन की और वेरियस मॉडिफिकेशंस जो हैं They normally help the gastropod animals to survive in a better position rather than we can say if there is no process of torsion, there will be less survival of gastropods on this universe.